स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड सेमीफाइनल है आज आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का ऑलरेडी छे बज चुके हैं थोड़ा सा गलत ही खराब है इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाने का जो है फैसला किया था निर्णय लिया था डिसीजन लिया था जो भी समझो तो फिर मैंने पोल डाला था कि किसको वीडियो चाहिए तो कुछ लोग थे जिनको देखना है कुछ भले मानो जिनको खुद से कुछ सीखना और करना है उनके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ है हाँ ना तो वो लोग देख लेना स्टार्टिंग से एंड तक दस मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं साढ़े छः तक ये अपलोड हो जाएगा आपके पास उसके बाद भी एक घंटा रहेगा समझने के लिए ठीक है तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो कल एक जैकपॉट मैच है टेलीग्राम पर बताऊँगा कौन सा मैच अपन कवर कर रहे हैं कल के दिन सुबह सुबह प्लस टेलीग्राम चैनल के लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में ले है पहुँच जाना फाइनल टीम्स आपको यहाँ मिल जाएगी या फिर मैं इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन है कि आपको फाइनल टीम्स की जरूरत पड़ेगी नहीं ठीक है पाँच हज़ार का गिवे है उससे पहले इलेवन चैलेंजेस है ऐप

पाँच जीती है अनडिफिटेड टूर्नामेंट है दोनों ही ग्रुप से बात कर करोगे तो एक लॉथी टीम है जो अभी तक अनडिफिटेड है टॉप परफॉर्मेंस की बात करोगे इस टूर्नामेंट में तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉर्नर और फेंच के रन आए एक इन्होंने बनाए एक फेंच ने बनाए ठीक है, है तो ये दो इनका बैटिंग हेड है बॉलिंग से बात करोगे तो जैम्पा ने ग्यारह विकेट लिए हेजलवुड ने आठ और मेचस्टाक ने सात तो ये पाँच प्लेयर्स हैं जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में जो है परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बात करोगे तो बाबर आजम दो रन ये बना चुके हैं पाँच मैचेज में सड़सठ का इनका एवरेज है रिजवान की बात करोगे दो रन ये बना चुके हैं इकहत्तर का इनका एवरेज है पाँच में मलिक निन्यानवे रन बना चुके हैं तीन इनिंग्स की बात करोगे तो निन्यान विरन बना चुके निन्यानवे अपनी तीन इनिंग्स में एवरेज इनका बहुत ज्यादा है क्योंकि वो जो लास्ट मैच में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट नॉट आउट थे उसके चलते ठीक है बॉलिंग से बात करोगे इनकी तो हारिस रॉफ Uh, पाँच मैचेस में आठ विकेट ये ले चुके हैं शाहन शाह अफरीदी पाँच मैचेस में छः विकेट ये ले चुके हैं तो ये दोनों ही टीम से कुछ परफॉर्मर्स जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अच्छा किया अच्छा अब आगे चलते हैं टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू की हम बात करें दुबई पर कौन कौन सी इनिंग में अच्छा करता है तो डेविड वॉर्नर को देखा गया कि दुबई पे जब चेस करते हैं तो बैटर करते हैं एलन फिंच हमेशा की तरह जब बैटिंग फर्स्ट करते हैं तब अच्छा करते हैं मिचेल मार्श चेस करते हुए अच्छा कर रहे हैं स्टीवन स्मिथ चेस करते हुए अच्छा कर रहे हैं ग्लैन मैक्सवेल का उतना कोई मेजर रिकॉर्ड है नहीं सेम विथ वेड एडम सेम्पा की बात करोगे तो जब जब फर्स्ट बॉलिंग डाली है दुबई के मैदान पे एक भी बार इनकी झोली खाली रही नहीं है आ, पैट कमिंस की बात करोगे तो फर्स्ट बॉलिंग करते हुए अच्छा करते हैं अगर खेलते हैं तो आ, देखा जाएगा मेचल स्टार्क फर्स्ट बॉलिंग में कभी विकेटलेस नहीं रहे जॉश हेजलवुड फर्स्ट बॉलिंग में कभी विकेटलेस नहीं रहे तो अगर फर्स्ट बॉलिंग डाल रही है ऑस्ट्रेलिया बढ़िया से कंडीशन का फायदा उठाएगी हेजलवुड आपकी टीम में होनी चाहिए आपकी टीम में मेचल स्टार्क होने चाहिए और आपकी टीम में पैट कमिंस होने चाहिए ठीक है तीनों के तीनों पेसेस आपकी टीम में होने चाहिए प्लस एडम सैम्पर ये चार बॉलर्स आप मिस करना चाहोगे नहीं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉल डाल रहा है दुबई के मैदान पे ठीक है आगे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं तो पाकिस्तान से भैया बाबर बैटिंग फर्स्ट करवाओ या सेकंड करवाओ बाबर बाबर हैं हर इनिंग में रम है आ, रन है मोहम्मद रिजवान ने भी सेम है सेवेंटी 79 सेवेंटी फर्स्ट बैटिंग करो या चेज़ करो हमेशा इनकी बैटिंग आ, जब जब आती है रन निकलते हैं शोएब मलिक ने ठीक ठाक किया है बाकी फ़खर जमान इस टूर्नामेंट में उतने ख़ास रहे नहीं है मोहम्मद हफीज़ अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तभी इनका परफॉर्मेंस जो है अच्छे से निखर के आया है आसिफ अली चेज़ मास्टर नहीं है। फिनिशर आप इन्हें नहीं कह सकते हो दो बार इस मैदान पे बैटिंग करिए और दोनों बार गेम फिनिश करके दिए एक बार बारह में सत्ताईस एक बार सात में पच्चीस ठीक है बॉलिंग से बात करोगे तो शाहीन अफरीदी अगर फर्स्ट बॉल डाल डालें कभी भी विकेटलेस नहीं रहे हारिस रॉफ अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालें कभी भी विकेटलेस नहीं रहे हसन कली हसन अली हॉट एंड कोल्ड रहे हैं हसन अली हॉट एंड कोल्ड रहे हैं ठीक है, है फर्स्ट बॉलिंग में एक बार दो विकेट एक बार जीरो एक बार एक विकेट ठीक तो ये थे कुछ मेजर रिकॉर्ड्स टॉस बेस्ड एनालिसिस यानी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग और टॉप परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में कौन कौन रहे हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दी बागे चलते हैं दुबई के बारे में थोड़ी और अगर मैं आपको ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दूँ क्योंकि टाइम नहीं है वन नाइनटी थ्री मैचेज हुए हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर

तो पैट कमिंस के पास चौदह विकेट है ग्यारह है मेचल स्टाक के पास दस है जैम्पा के पास नौ है मैक्सी के पास और आठ है, है हेजलवुड के पास ठीक है तो दोनों पेसेस कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टाक और कमिंस अगर फर्स्ट बॉलिंग डाल रहे हैं तो भैया कमिंस छोड़ना मत ठीक है तो ये वो बॉलर्स है जो इस पे विकेट्स ले रहे हैं अच्छा पाकिस्तान की तरफ से बात करोगे तो वही दो नाम आपको बार बार दिख रहे हैं बाबर आजम शोएब मलिक बाबर आजम इस वेन्यू पे एक हज़ार रन बना चुके मलिक आठ सौ सात बना चुके हफीज़ छः सौ नब्बे के आसपास बना चुके सरफराज अहमद खेल नहीं रहे फकर जमान चार सौ नौ रन बना चुके रिजवान सत्रह इनिंग में दो सौ चौहत्तर इस वेन्यू पे बना चुके रिमाद वसीम ठीक बॉलिंग से बात करोगे आ, तो हसन अली इस वेन्यू पे अट्ठाईस विकेट ले चुके हैं शदाब तेईस इमाद तेईस शाहिन्शाह अफरीदी उन्नीस हफीज़ ने भी इस वेन्यू पर बॉल डाली है पंद्रह विकेट वो ले चुके अच्छा हफीज़ का आज इंटीग्रल रोल रह सकता है क्यों क्योंकि वार्नर के सामने इनसे बॉल डलवाई जा सकती है बस एक ही सिनेरियो है बाकी लेफ्टी वेट हैं वो आएंगे तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा तो बस यही एक चीज थी जो हफीज की हो सकती है ठीक है रिसेंट मैचेस इस वैन्य पर बात करोगे नमी भी इंडिया हुआ नमी नमीबी नमीबिया पहले बैटिंग कर रहा था सिर्फ एक सौ बत्तीस बना पाया इंडिया नौ विकेट से चेस कर गया उससे पहले इंडिया स्कॉटलैंड इंडिया आठ विकेट से चेस कर गया बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आठ विकेट से चेस कर गया यहां न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड था ऑब्वियसली डिफेंड हो जाना था बाकी चेजिंग के लिए ग्राउंड अच्छा है अभी तक जो भी देखा गया है अच्छा समरी की मैं बात करूँ तो पेसर और स्पिनर्स ज्यादा दूर है नहीं एक दूसरे से जहां पेसर्स ने सत्तावन लिए वहां स्पिनर्स ने चालीस लिए है जबकि अगर अबूधाबी पर आप देखते हो तो पेसर्स आउटराइट कर जाते हैं और उतने नहीं चल पाते हैं, के चलते हैं। थोड़ा सा head -head की तरफ डालते हैं कि क्या होता है, head -head में जब ये दोनों है आपस में खेलती है सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बाईस मैचेस खेले इन्होंने आपस में टी ट्वेंटी इंटरनेशनल तेरह जीते हैं पाक ने नौ जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है तो ये बात किसके फेवर में जा रही पाकिस्तान के फेवर में लास्ट पांच मैचेस अगर टी ट्वेंटी बात करूं तो पाँच में से तीन जीते हैं पाकिस्तान ने जो दो जीती ऑस्ट्रेलिया तो ये भी पाक के फेवर में है इस वेन्यू पे इनके बीच सात मुकाबले हुए हैं पांच जीते हैं पाकिस्तान ने और सिर्फ दो जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया तो ये बात भी पाकिस्तान के फेवर में है तो समझ रहे हो ना क्या चीज़ है पाकिस्तान के लिए आईसीसी मैं टी ट्वेंटी आई वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूँ तो छह मैचेस इनके बीच हुए हैं तीन जीते हैं पाकिस्तान ने और तीन जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने तो यहाँ मामला जो है थोड़ा टाइट है लेकिन ऊपर बात करोगे ओवरऑल लास्ट पांच और वेन्यू पे तो पाकिस्तान आ, बहुत आगे है ऑस्ट्रेलिया से रीसेंट हेड टू हेड मैचेस इनका हुआ था दो हज़ार में यहाँ पे क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया यहाँ दस विकेट से जीता फिंच और आ, वार्नर के रन थे रिचर्डसन में चल स्टाक एगार के विकेट आ, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया पाँच नवंबर को भी हुआ था यहाँ ऑस्ट्रेलिया सात विकेट से जीता बाबर के रन दिख रहे हैं स्मिथ के रन दिख रहे हैं वार्नर एस्टनीगर के विकेट पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 28 अक्टूबर 2018 की बात है यहाँ क्या हुआ फिर से आपको बाबर के रन दिख रहे हैं हफीज रन प्लस विकेट शदाब हसन अली मिचेल मार्च पाकिस्तान वर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया में फिर से बाबर के रन है हफ़ीज़ के फिर से रन है यहाँ से मचल मार्च और मैक्सवेल के रन हैं अच्छा इस वेन्यू पर 2014 में कुछ मैचेस हुए थे उसमें बाबर आज़म का 50 था हफ़ीज़ का था ठीक है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी अक्टूबर ये 2014 के बाद के मैचेस बताऊं क्योंकि 2014 के अगर पहले के बताऊंगा तो उतना रिलेवेंट आपको लगेंगे नहीं ठीक है मार्च के बैटिंग से रन प्लस विकेट्स दिख रहे हैं मार्च के रन दिख रहे हैं उसके बाद चार अक्टूबर 2014 की अगर मैं बात करूँ तब भी वॉर्नर और मैक्सवेल के रन थे अच्छा आ, ये तो तीन चार पाँच मैच के मैंने आपको समरी बताई अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ कौन अच्छा खेलता है हेड टू हेड में तो भैया वार्नर सेकेंड हाइज रन स्कोर है आ, पाकिस्तान के अगेंस्ट तीन सौ तो, अड़तालीस रन बना चुके हैं तीस के एवरेज के साथ पंद्रह मैचेस में फिंच अच्छा खेलते हैं तीन सौ छब्बीस रन ये बना चुके हैं छत्तीस के एवरेज के साथ मैक्सी अच्छा खेलते हैं दो सौ तीस रन ये बना चुके हैं बीस के एवरेज के साथ स्टीवन स्मिथ भी तैतीस के एवरेज के साथ एक सौ सत्तर रन बना चुके हैं अच्छा स्टीवन स्मिथ आज आपकी टीम में इंटीग्रल रोल प्ले कर सकते हैं अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो अच्छा क्यों क्योंकि विकेट पे पेस बाउंस रहेगा है ना और पाकिस्तान के बॉलर्स लीथल हैं तो अगर टॉप ऑर्डर से आउट होता है फ्रेंच या वार्नर या फिर आ, मार्श तो स्टीवन स्मिथ की जल्दी बैटिंग आ जाएगी और वो उनके लिए एकदम सूटेड कंडीशन रहेंगी कि हाँ जल्दी विकेट गिर गए अब मैं एंड तक खेल लूँगा तीस चालीस पचास रन अगर वो बनाते हैं तो आपको सत्तर अस्सी पॉइंट दे देंगे ठीक है तो ये चीज स्थित याद रखना बैटिंग फर्स्ट करें तो ग्रैंड लीग में तो एटलीस्ट सी वी सी बना के छोड़ देना बाकी स्मॉल लीग पर अगर आपको रिस्क लेना है तो स्टीव स्मिथ ले सकते हो मिचल स्था हेटोन में तेरह विकेट ले चुके हैं कम्स सात ले चुके हैं मैक्सी सात और रिचर्डसन सात विकेट पाकिस्तान की तरफ से देखोगे तो बाबर आजम दो सौ अठहत्तर रन बना चुके हैं सत्तर के एवरेज के साथ छः मैचेज में मलिक दो सौ बासठ रन बना चुके हैं बत्तीस के एवरेज के साथ हफीज खेलते दो सौ छब्बीस और फखर जमा दो सौ रन ये बना चुके हैं अट्ठाइस के एवज के साथ ठीक है शादाब ने इस तरफ से विकेट लिए नौ शाहीन ने आठ और इमाद ने सात टॉस बेस एनालिसिस अब मैं हेड टू हेटवेट क्या बताता हूँ कि जब जब इनका मैच हेड है टू हेड होता है तब कौन कौन सी इनिंग में अच्छा करता है तो डेविड वॉर्नर आपको दिख रहा था कि इस वेन्यू पे भी सेकंड इनिंग में अच्छा करें और जब हेड हेड टू खेले ना पाकिस्तान के गीस तब भी सेकंड इनिंग में अच्छा करें देखो तिरपन रन बनाए यहाँ अड़तालीस बनाए फ्रेंच की बात करोगे तो फर्स्ट बैटिंग में उतने कुछ खास स्कोर है नहीं और सेकंड में ज़ीरो बहुत है और लो लो स्कोर्स के स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है लेकिन आ, सक्सेस रेशियो भी उतना ही है बावन यहाँ अड़सठ यहाँ पैंसठ यहाँ ठीक आगे चलते हैं मिचल मार्श की तरफ तो इन्होंने सेकेंड बैटिंग करी है रन और विकेट दोनों लिए हैं स्टीवंस में जैसा बताया था फर्स्ट बैटिंग में एक एकसठ का स्कोर है एक चेस करते हुए अस्सी का स्कोर है मैक्सी बैटिंग फर्स्ट करते हुए ठीक ठाक करें चेस करते हुए भी अच्छा कर रहे हैं तो ये चार पांच प्लेयर्स तो आपको लेके ही चलने लें ठीक है मार्कस मार्कस्टॉनिक्स की तरफ आप देख सकते हो मैं बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि बॉलिंग लेना ना यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक होगा दोनों ही के पास बढ़िया लाइनअप से अच्छा एडम जैम्पा देखो जब सेकंड बॉलिंग डाल रहे थे दो विकेट लिया था हेड टू हेड में बाकी अगर फर्स्ट बॉलिंग डाल रहे ना तो जैम्पा आप इग्नोर कर देना क्यों क्योंकि आपके पास देखो इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग करते हुए पाँच मैचेस खेले उन पाँच मैचेज में सिर्फ दो विकेट है जैम्पा के पास अगर सेकंड इनिंग में बॉल डालें तो हाँ बिल्कुल ले सकते हो और पाकिस्तान वैसे भी स्पिन अच्छा खेल लेता है ऐसी निगार आ, पैट कम्स की बात करूँ इतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं ही मिचल स्टाक अगर फर्स्ट बॉलिंग डाल रहे हैं तो अच्छा करते हैं जॉर्स एजलवुड फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में अच्छा करते हैं किन रिचर्डसन को खिलाएंगे नहीं वरना रिकॉर्ड इनकी भी जबरदस्त है पाकिस्तान की तरफ से बात करोगे तो बाबर आजम ने हमेशा बैटिंग फर्स्ट ही करी है जब जब इनके अगेंस्ट खेले हुआ भाई साहब तबाही अड़सठ पैंतालीस पचास उनसठ पचास हर मैच में 40 प्लस स्कोर किया है जब जब फर्स्ट बैटिंग करिए और ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया था रिजवान की बात करोगे ऑस्ट्रेलिया के सामने उतना बैट इनका चलता है नहीं फखर जमा अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो एक अच्छा स्कोर है सेकंड बैटिंग करें तो एक अच्छा स्कोर है तो यानी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फखर जमा अच्छा खेल सकते हैं हफीज़ की बात करो बैटिंग फर्स्ट करते हुए मेजर भी आपको उन स्कोर्स दिखेंगे वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है शोएब मलिक चेस करते हुए अच्छा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये यह चीज़ यहाँ है आसिफ अली बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा कर लेंगे बॉलिंग से बात करोगे तो इमाद वसीम अगर सेकंड लिंग में बॉल डाल रहे हैं तो मिस मत कर देना बहुत बढ़िया करते हैं हसन अली सेकंड लिंग में अच्छा करते हैं शाहिनशाह अफरीदी वैसे तो फर्स्ट इनिंग स्पेशलिस्ट हैं लेकिन जब जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते तो सेकंड बॉलिंग में विकेट्स देख लो दो विकेट दो विकेट तीन विकेट ठीक हाँ तो ये कुछ बॉलर्स थे अब आपको थोड़ा सा ना ईजी हो जाएगा आप आराम से साथ से ले लोगे कि हाँ किस किस को लेना है किस किस को छोड़ सकते हैं लॉजिकल बेसिस पे कोई हवा में तुक्के नहीं मारे अगर इस टी अब इस रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर आप टीम बना के हार भी जाओगे ना तो बुरा नहीं लगना चाहिए क्यों रिकॉर्ड्स कह रहे थे कि अभी तक ऐसा हुआ है बाकी आपको गुड फिल्ड पर जाने वहाँ जा सकते हो कुछ बैटल्स हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे शदाब तीन बार फिंच को आउट कर चुके दो बार इमाद वसीम ठीक है इमाद वसीम पावर प्ले में आ जाएंगे और फिंच को परेशान करेंगे ये चीज़ हो सकती है वार्नर की बात करोगे तो शाहिशाह अफरीदे के खिलाफ एक बार और हसन के खिलाफ एक बार आउट हुए बाकी स्पिनर्स ही ने तो तकलीफ इन्हें दी नहीं है आ, स्टीव स्मिथ सिर्फ हसन के सामने आउट हुए बाकी किसी के सामने आउट नहीं हुए शदाब तीन बार मैक्सिल को आउट कर चुके तो शदाब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे शदब प्लस वसीम का कॉम्बो ठीक मिचल मार्च की बात करोगे तो दो बार शदाब इन्हें भी, भी आउट कर चुके हैं माकस्टॉन सा कुछ खास है नहीं अच्छा पाकिस्तान की तरफ से देखो तो एक चीज़ देखो भैया बाबर आजम ठीक है बाबर आजम को हेजलवुड बहुत परेशान करते हैं 124 डिलीवरी इन्होंने डाली 124 बॉलों में छः बार आउट कर चुके हैं हेजलवुड बाबर आजम को ये चीज़ ध्यान में रख लेना बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं है एक बार सिर्फ स्टाक ने आउट किया है रिजवान की बात करोगे तो इनको एक बार मैक्सी आउट कर चुके हैं एक बार स्टाक आउट कर चुके फकर जमा की बात करोगे एक बार पैट कमिंस एक बार स्टाक हफीज़ की बात करोगे दो बार कमिंस एक बार हेजलवुड आसिफ अली को एक बार जैम पे एक बार मार्च बाकी कोई खास नहीं बस एक ये जो बैटल है ये ध्यान में रखनी बाबर आजम वर्सेस सीजन लोड वाली छह बार आउट कर चुके हैं ठीक है प्लेइंग इलेवन वैसे तो सबको पता ही है मैं आपको और बता देता हूँ वार्नर और फ्रेंच जो है आपके ओपन कर रहे हैं दोनों के ठीक ठाक स्कोर है वार्नर ने लास्ट मैच में एटी नाइन बनाया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मिचल मार्च को लास्ट मैच में वन डाउन बैटिंग करवाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तिरपन रन इन्होंने बनाए थे बॉल भी डाले थे दो तीन ओवर विकेट कोई नहीं मिला था स्टीवन स्मिथ की बैटिंग नहीं आई मैक्सवेल बॉल डालेंगे आज नहीं डालेंगे वो एक सिनेरियो क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही स्पिन अच्छा खेल लेता है स्पिन अच्छा खेलने के साथ साथ एक और रीज़न ये है कि आ, ये ना अब क्या करेंगे कि सामने लेफ्टी है ही नहीं सामने लेफ्टी की अगर आप बात करोगे तो वन डाउन फ़खर जमा आएंगे उनके सामने डलवा दी तो डलवा दी वरना फिर तो हो सकता है कि मैं उतने ओवर्स ना डालें ठीक है बॉलिंग से जैम्पा कम है जरूर सब कुछ आपको क्लियर कर दिया किसको कब लेना है आगे चलते पाकिस्तान की तरफ रिजवान बाबर फकर जम्मा मोहम्मद हफीज़ आसिफ अली शोएब मलिक शदाब खान इमाद वसीम हसन अली कुछ चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है तो लाइनअप वैसी की वैसी है फॉर्म भी आपको बता दी सब कुछ आपको बता दी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ठीक है मेरी फैंटेसी टीम क्या होने वाली है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ है ड्रीम इलेवन खोलूँगा वो उतना ही टाइम हो जाएगा विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रिजवान ले लिया है बैटिंग सेक्शन से मैंने अभी आजम फिंच और वार्नर को लिया है ये तीन बैट्समैन के साथ में गया हूँ ठीक है आ, वार्नर फिंच के रिकॉर्ड आपको बताया हेटो हेड ग्राउंड पे अच्छे हैं आजम को आप ड्रॉप करोगे नहीं और रिजवान तो ये चार बैट्समैन अपने शॉट हो जाते हैं विकेट कीपर मिला के ऑलराउंडर्स में मैंने शदाब लिया सबको ही परेशान कर रहे हैं ऑलमोस्ट तो शदाब मैंने ले लिया हफीज़ का रिकॉर्ड अच्छा ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट मैंने हफीज़ ले लिया आप चाहो फकर जमा को ले लो ठीक है और मैंने मिचल मार्च लिया है बॉलिंग से मैं हेज़लवुड और जेम्पा की तरफ गया हूँ और यहाँ से मैंने हसन अली और हारिस रॉफ लिया है अच्छा यहाँ पे मेरे को शाहन शाफरीदी लेना था लेकिन क्रेडिट इशू था अगर आप ये मैच इलेवन चैलेंजर्स ऐप पे खेल रहे हो ना कोई क्रेडिट का इशू नहीं आएगा आप इजीली हसन की जगह शाहनशाह अफरीदी ले सकते हो या फिर अगर जैम्पा फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल लें तो मैं जैम्पा ड्रॉप करके यहाँ से पैट कमेंट्स या फिर मेटल स्टाक लेने की कोशिश जरूर करूँगा जो मैंने आपको बताया था ठीक है तो ये मेरी अभी के लिए टीम है आपके पास ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं मैक्सवेल आप ले सकते हो मैंने मैक्सवेल बड़ा ड्रॉप किया है स्टा मैं लूँगा जैम्पा की जगह इलेवन चैलेंजस पे क्योंकि मेरे पास क्रेडिट इशू नहीं है मैं शाहिशाह अफरीदी ले लूँगा इलेवन चैलेंजेस ऐप पर क्योंकि मेरे पास हसन अली की जगह शाह अफरीदी लेने के क्रेडिट्स उस ऐप पर रहेंगे ग्रैंड डी अगर खेलो तो जमा वसीम कमींस स्मिथ और वेड इनको ज़रूर ट्राई कर लेना ठीक है और शोएब मलिक को भी भूलना मत तो ये चार पांच प्लेयर्स है जो आपके ग्रैंड लीग में काम आ सकते हैं तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर लो कल जो जैकपॉट मैच है उसके बारे में आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो तो करना मत भूलना मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम से सीधा टेलीग्राम चैनल पर तब तक लिए बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड डे